हेलो गाइस, आज हम कार मोबाइल चार्जर के रिपेयरिंग के बारे में जानेंगे। ये एक मेड इन चाइना कार चार्जिंग डिवाइस है एंड ये काम नहीं कर रहा है। फर्स्टली हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास एक ये मिनी टूल किट है जो कि एक स्क्रू ड्राइवर है विद एडजस्टेबल हेड्स। इसके लिए मुझे एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और इसको लगा के मैंने छोटे एडजस्टमेंट्स को इसे ओपन कर लिया। अब देखिए ये ऐसे यहाँ निकल गया। नेक्स्ट अब मुझे इसके इस नीचे वाले पोर्शन को ओपन करना होगा। सभी बेसिक प्रिंसिपल सभी मोबाइल चार्जिंग डिवाइसेस का, कार मोबाइल चार्जिंग डिवाइसेस का सेम रहता है, बट खोलने का उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। अब देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, नीचे वाले आपको ऐसे मुझे ओपन करना होगा। इसके लिए मैं एक और एडजस्टेबल हेड ले रहा हूँ छोटे साइज़ का, जिससे कि मैं इसको ओपन कर पाऊँ। यहाँ से जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो एक स्प्रिंग लोडेड एक हेड है, ये निकल जाएगा बाहर। इसको मैं साइड में रख दूँगा। अब मैं इस डिवाइस को यहाँ से ओपन करूँगा। इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, बट मेन प्रिंसिपल इसका ये है कि कार के 12 वोल्ट को रिड्यूस करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट है आईसी और कुछ कैपेसिटर्स हैं, एक डायोड सर्किट है एंड एक कॉइल है। तो ये काम नहीं कर रहा है, चाइना का माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो अगर इसको मैं बारीकी से देखूंगा, जैसे कि आप भी तो देख पाएंगे, यहाँ पे मैं जो इसका प्रॉब्लम ट्रेस आउट कर पा रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ कि जो इसकी सोल्डरिंग है वो लूज़ हो गई है काफ़ी जगह से। तो अभी मैं इसको फिर से रीसोल्डर कर दूँगा। उसके लिए मुझे एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगी, फ्लक्स एंड सोल्डर चाहिए होगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक सोल्डर यूज़ कर रहा हूँ, सोल्डरिंग फ्लक्स एंड सोल्डरिंग आयरन। तो मेजरली यहाँ पे जो एक मेन इसका कनेक्शन है वो उसका सोल्डरिंग थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। तो मुझे करना क्या है, इसको फिर से सोल्डर करना है। फर्स्टली मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ, अगर हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी चेक करके। यहाँ पे सोल्डर हो गया। इसके कुछ और कनेक्शंस भी थोड़े मुझे ढीले लग रहे हैं, उनको भी मैं सोल्डरिंग फिर से कर दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर कर दिया है।
अब मुझे इसको फिर से रीअसेंबल करके एक बारी ट्राई करना होगा, जिससे कि मुझे पता चल पाएगा कि ये चल रहा है या नहीं चल पा रहा है। तो जैसे हमने इसको खोला था, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैं इसको बंद कर दूंगा। सेम स्टेप मैं फॉलो करूंगा बट इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे मैं एक आपको टिप देना चाहूँगा, जब भी हम बारीक स्क्रूज से डील करते हैं तो मोस्टली हमें ट्राई करना चाहिए जो भी हमारे पास किट हो उसका जो हेड हो वो मैग्नेटिक हो, क्योंकि उसका फ़ायदा यही है कि आप उसको मैग्नेट से अटैच करके आसानी से इन स्क्रूज़ को कनेक्ट करके टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे टाइट कर दिया। अब रिजल्ट का टाइम है, अब मैं उसको कार से कनेक्ट करके देखूंगा कि चल रहा है या नहीं। सो फ्रेंड्स, हम इसको लेके आ गए हैं कार में। अब हम इसे कार से कनेक्ट करते हैं, जो कि चार्जिंग पॉइंट में इसको कनेक्ट कर दिया, सिगरेट लाइटर पॉइंट में। अब मैं कार को ऑन करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। जी हाँ, ये काम कर रहा है। इसमें एक एलईडी थी, वो ब्लिंक करने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा एक बारी मैं इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके देखता हूँ क्या मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। जी हाँ, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। दोस्तों, आप भी इस तरह छोटे मोटे काम, जैसे कि हम इंडिया में बोलते हैं कि जुगाड़, घर पे कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत सारी ऐसे चीज़ें शेयर करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।